Hello students, in previous lecture we discussed about how to convert the radian measure into degree measure and how to convert degree measure into radian measure, right? So I hope कि उसको कैसे convert करना है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, right? अब उसी के ऊपर based कुछ और questions है हमारी exercise 3.1 में जो हमें करने हैं. So today we will start with question number 3. तो question number 3 में हमें क्या given है कि a wheel makes 360 revolution in 1 minute, right? कि एक wheel है जो 1 minute के अंदर कितनी उसके revolution कितने complete revolution 360 revolution, right? So through how many radian does it turns in 1 second? So 1 second में उसके कितने radian होंगे, राइट? उसके जो टर्न है वो कितने रेडियन होंगे. सो हमें उसको मेजर जो है वो रेडियन में काउंट करना है, राइट? सो ऑब्वियस है कि हमें पता है, यहाँ पे हमें गिवन है कि 1 मिनट के अंदर 360 रिवॉल्यूशन होंगे, राइट? अब हमें यहाँ पे 1 सेकेंड की बात करनी है. सो मिनट को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, राइट? एंड वी नो दैट कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, राइट? सो ऑब्वियस है कि इट टेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकेंड्स. ओके, सिंपल सी कैलकुलेशन है. सो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? सो इन 1 सेकेंड इट मेक्स 360 डिवाइडेड बाय 60, राइट? हमें 360 को 60 से डिवाइड करना है ऑब्वियसली. तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? सो 6 रिवॉल्यूशन, राइट? अब 1 सेकेंड में रिवॉल्यूशन कितने होंगे वो हमें पता चल गया, राइट? बट हमें वो टर्न जो है वो रेडियन में मेजर करने. अब हमें पता है कि इफ कोई भी चीज अगर हम लोग पूरा सर्कल कंप्लीट करते रेडियन में, राइट, पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं 1 रिवॉल्यूशन रेडियन के अंदर, राइट? सो कितने हमें कितने एंगल मिलते हैं वहां पे? सो एंगल कौन सा होता है? 2π रेडियन, राइट? सो व्हेन अ व्हील मेक्स 1 रिवॉल्यूशन इट मूव्स 2π रेडियन, राइट? हमें पता है कि 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा रेडियन मेजर में, तो हमें वहां पे 2π रेडियन मिलेगा, राइट? सो दैट हमें यहाँ पे टोटल 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन मिल रहे हैं? 6 रिवॉल्यूशन. तो 2π को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हेन अ व्हील मेक्स 6 रिवॉल्यूशन इट मूव्स 6 × 2π, दैट मीन्स कि 12 रेडियन. एंड ये हो गया हमारा आंसर कि 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन है, हमें रेडियन में उसको कन्वर्ट करना है. तो 6 से 2π को मल्टीप्लाई करना है सो दैट कि इट 1 सेकेंड इट टर्न्स 12π रेडियन, राइट? सिंपल सी कैलकुलेशन है. जस्ट आप लोगों को बेसिक जो हमें पता है नॉलेज हमारा वही यूज करना है कि मिनट को रेडियन में मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है. एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें रिवॉल्यूशन के लिए रेडियन में जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसका यूज करना है. ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन अर्क लेंथ ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. अब ऑब्वियस है यहाँ पे दो चीजें हमें गिवन है. फर्स्ट वन इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेकेंड वन इज लेंथ ऑफ एन आर्क. दैट मीन्स कि आर एंड एल हमें गिवन है. R is equals to 100 centimeter and L is equals to 22 centimeter, right? And suppose जो arc है वो origin के साथ, मतलब कि center के साथ जो angle बना रही है वो कौन सा angle है? Theta. ऐसा कुछ figure होगा जो हमने already radian में देखा हुआ है कि ये हमारे radius suppose 100 centimeter, right? So ये हो गई हमारी radius. अर्क लेंथ जो हमें दी हुई है वो क्या है? 22 सेंटीमीटर. तो ये जो अर्क लेंथ है वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल हमें डिग्री में फाइंड करना है. सपोज इसको हम लोग थीटा कहते, तो थीटा जो है वो हमें डिग्री में मेजर करना है.
अब हमें याद है कि जब हमने स्टार्टिंग में ही रेडियन और मेजर की डिस्कशन की थी, तब हमने एक फॉर्मूला देखी थी विच इज कि एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल अपॉन आर, राइट। तो हमारे पास एल भी है आर भी है, तो हम लोग थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो थीटा क्या हो जाएगा, 22/100 इज इक्वल्स टू 11/50। बट मैंने उसी टाइम आप लोगों को बताया था कि इस फॉर्मूला में हम लोग जो थीटा फाइंड करेंगे वो थीटा ऑलवेज किस में होगा, रेडियन में होगा, राइट। सो दैट ये जो 11/50 है उस कौन से मेजर में होगा, रेडियन मेजर में होगा, राइट। बट हमें तो यहाँ पे डिग्री मेजर पूछा हुआ है, राइट। सो ये जो रेडियन मेजर है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, ओके। और हमें पता है कि रेडियन को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करना है, राइट। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेडियन मेजर विथ 180/π, राइट। सो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे 11/50 को, एंड पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि वी विल टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7, राइट। सो 180/22 इंटू 7 और 11/50 डिग्री, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 63/5 डिग्री, राइट। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12/3/5 डिग्री। सो ये 12 जो है वो पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वी विल कन्वर्ट 3/5 इंटू मिनट, सो दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3/5 विद 60। सो 3/5 इंटू 60 मिनट हो जाएगा, एंड उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 मिनट, राइट। सो अवर फाइनल आंसर इज व्हाट, 12 degree 30 minutes, राइट। सो ये जो हमारा है वो फाइनल आंसर होगा कि डिग्री मेजर जो है ऑफ द एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इज 12 degree 36 minutes, राइट। सो दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इफ अगर आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो वो फॉर्मूला जो है उसमें थीटा जो है वो किस में होगा, रेडियन में होगा, राइट। अगर रेडियन में फाइंड करना है सो वेल एंड गुड, बट अगर डिग्री में फाइंड करना है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अगर एल एंड आर फाइंड करना है और थीटा गिवन है, तो अगर थीटा हमें डिग्री में गिवन है तो उसको हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वैल्यूज जो है वो पुट कर पाएंगे, राइट। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसमें हमें यही सारी चीज जो है वो करनी है और यही फॉर्मूला का यूज करना है, ओके। सो कुछ छोटे छोटे सिंपल सिंपल सम्स है तो हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सो हमें डायमीटर गिवन है। सो ऑब्वियसली यू नो दैट कि रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, राइट। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कि कुछ ऐसा आप लोगों के पास सर्कल है, राइट, ये आप लोगों की रेडियस है, ये आप लोगों की कॉर्ड है, तो दोनों रेडियस और कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड जो आप लोगों का ए बी है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर, राइट। सो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब माइनर आर्क आप लोगों को पता है कि ये कॉर्ड है, तो ये जो ए बी वाला ये पोर्शन है वो आप लोगों का माइनर आर्क होगा, राइट। सो वो माइनर आर्क जो है हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आर तो हमें गिवन है, अगर हम लोग थीटा फाइंड कर ले तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। बट थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आप लोगों के पास जो ट्राइंगल है उसकी तीनों जो साइड्स है वो तीनों की साइड्स की लेंथ जो है वो सेम है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, राइट। सो दैट ये ट्राइंगल जो है वो कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं।
अब हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो एडिशन है वो 180 होता है, तो एक एंगल जो है उसका मेजर कितना होगा, 60 डिग्री, राइट। ये कैलकुलेशन आप लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हो, सो यहाँ पे एंगल जो है वो हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री, राइट। सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें पता है कि अगर हमें थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर फॉर्मूला यूज करनी है तो हमारा जो थीटा है वो कंपल्सरी रेडियन में होना चाहिए, राइट। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 60 डिग्री इंटू रेडियन मेजर, और हमें पता है कि अगर हम लोग 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल गेट 5/3 रेडियन, राइट। सो अब हमारे पास थीटा है कि थीटा इज इक्वल टू 5/3 रेडियन, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सो अब हम लोग L जो है वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, उसमें L के लिए अगर फॉर्मूला लिखनी हो तो क्या हो जाएगी, थीटा इंटू R, दैट मीन्स की R थीटा, राइट। सो वही फॉर्मूला हमें यूज करनी है कि L इज इक्वल टू R थीटा, ओके। सो L इज इक्वल टू R थीटा है तो R इज 20 एंड थीटा इज 5/3, राइट। सो लेंथ ऑफ माइनर आर्क, दैट मीन्स कि एल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी फाइनली 25/3 सेंटीमीटर, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। अगर तीन में से दो चीजें गिवन है आप लोगों को, एंगल, रेडियस एंड आर्क, उसमें से कोई भी चीज अगर आप लोगों को गिवन है तो यही फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को यूज करनी है, राइट। जो ध्यान में रखना है कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, रेडियस आप लोगों को पता होनी चाहिए, आर्क लेंथ आप लोगों को कहीं ना कहीं से, जैसे हमने यहाँ से एंगल फाइंड किया इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करके, वैसे ही आप लोग कोई भी फॉर्मूला यूज करके ये तीनों चीजें जो है वो आप लोगों को गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टू सर्कल्स गिवन है कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबस्टेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, राइट। कि अगर हम लोग आर्क ले रहे हैं सेम लेंथ की, ओके, सो वहां पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो सर्कल्स है तो हमें दोनों सर्कल्स के लिए लेंथ लेनी पड़ेगी, एंगल लेना पड़ेगा एंड रेडियस लेनी पड़ेगी। तो हम लोग ले लेंगे कि आर्क विल बी L1 L2, एंगल विल बी θ1 θ2 एंड रेडियस विल बी R1 R2। सो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो आर्क लेंथ है वो दोनों की सेम है, दैट मीन्स कि L1 इज इक्वल टू L2, राइट। और θ1 θ2 हमें गिवन है विच इज 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, राइट। उसकी रेडियस का रेशियो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड R1 by R2। अब अगेन वही चीज कि अगर आप लोग फॉर्मूला लिख रहे हो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन θ1 एंड R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन θ2, राइट। सो θ1 जो है वो हमें क्या मिलेगा, 5/3 रेडियन, राइट। हमारे पास θ1 60 डिग्री है, θ2 75 डिग्री है, और हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करनी है तो हमारा जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, राइट। सो अगर हम लोग 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे सो वी विल गेट 5/3 रेडियन, एंड वी विल कन्वर्ट, इफ वी कन्वर्ट 75 डिग्री इंटू रेडियन सो वी विल गेट 5π/12 रेडियन, राइट। सो ये दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट में आंसर मिलेगा 5/3 रेडियन, सेकेंड में मिलेगा 5π/12 रेडियन। और अब फॉर्मूला वही जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई, R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन θ1 एंड R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन θ2, एंड हमें फाइंड करना है R1 by R2, सो दैट क्या होगा, L1 अपॉन θ1, और मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय θ2 अपॉन L2। बट हमें पता है कि L1 एंड L2 जो है वो दोनों सेम है सो वो दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, सो वी विल गेट θ2 अपॉन θ1,
and theta 2 is what? 5 pi by 12 and theta 1 is pi by 3. अगर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3 by 5, right? So our final answer is what? 5 by 4, right? So we can say that कि the ratio of their radius is 5 by 4, right? So अगर आप लोगों को कहीं पर भी दो circles के लिए data given है और आप लोगों को ratio find करना है तो इस तरह से आप लोग ratio जो है वो find कर सकते हो, right? Now we will move on our next question, which is question number 7. तो question number 7 में आप लोगों को बोला हुआ है कि find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes of an arc length. Arc length जो है वो हमें 10 cm दी हुई है और हमें थीटा फाइंड करना है. अब क्या दिया हुआ है कि एक पेंड्यूलम है कुछ इस तरह का जिसकी लेंथ हमें 75 दी हुई है, राइट? अब वो पेंड्यूलम जो है वो मूव करेगा, दैट मींस कि ये अर्क बनाएगा, मूव करेगा. सो हमें पता है जैसे वो क्लॉक होती है ना पेंड्यूलम वाली, उस टाइप का, राइट? और वो जो उसका जो एंड पॉइंट है, जो अर्क लेंथ बन रही है, वो हमारे सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगी वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हमें तीन डिफरेंट आर्क लेंथ दी हुई है. फर्स्ट के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बाकी दो जो है वो आप लोगों को होमवर्क में करने. ओके, सो आर्क लेंथ जो है वो हमें 10 दी हुई है. सो थीटा फाइंड करना है, सिंपल, हमारे पास अब फॉर्मूला तो है ही. थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर. वी हैव आर इज इक्वल्स टू 75 cm एंड एल इज इक्वल्स टू 10 cm. थीटा जो है वो रेडियन में होगा. And we will have formula theta is equals to L by R, so that 10 upon 75 is equals to 2 upon 15 radian, right? So कुछ इस तरह से simple सी calculation है. तीनों question में आप लोगों की radius तो same ही रहेगी, just you have to change the arc length and you will get the answer, right? So कुछ इस तरह से आप लोगों को उसकी calculation जो है वो करनी है, right? तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट होती है, राइट? सो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है. सो आई होप कि वो एंगल और उसके मेजर में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर मूव ऑन करेंगे, विच इज ट्रिगोनोमेट्री. और वो जो रेडियन पे बेस्ड हमें यूनिट सर्कल देखना है उसका हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे. ओके, till then, thank you.